नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग ओआईटी में। सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए। इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसी के साथ अगर आप जीए के लिए कम्प्लीटली पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन चाहते हो, जिसके अंदर आपको वीकली पीडीएफ्स मिलेगी, मंथली पीडीएफ्स मिले, क्वेश्चन एंड आंसर की क्विजेज आपको मिले, तो उसके लिए आपको और ये सारे क्वेश्चन डेडिकेटेड है, तो इसके लिए आपको अफेयर्स क्लाउड्स का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। और बैंकिंग सक्सेस कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपने डिस्कस करेंगे 27 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो भी आने वाले आपके एग्जाम में, चाहे बैंक हो, SSC हो, UPSC हो, रेलवे हो, तो उन सभी के लिए अपनी ये जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है। तो ये जो देश है, तो इंडिया ने जो रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये किया जर्मनी के साथ। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, यानी कोविड-19 के चलते जो सरकार है उसने मो जीवन जो कार्यक्रम है उसका स्टार्ट अभी किया है हाल ही में, तो वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने हाल ही में मो जीवन कार्यक्रम का स्टार्ट किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के दौरान कितने लाख करोड़ का आर्थिक राहत पैकेज, यानी लॉकडाउन के तहत जो आर्थिक राहत पैकेज उन्होंने देश के लिए अभी लॉन्च किया है, तो वो कितने रुपए का है, तो वो रहेगा 1.7 लाख करोड़। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने स्टे होम इंडिया विद बुक्स, स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल की शुरुआत की, यानी इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको फ्री के अंदर जो पीडीएफ्स की बुक होती है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी ऑनलाइन। तो स्टे होम इंडिया विद बुक्स जो पहल है वो स्टार्ट की है एनबीटी ने, नेशनल बुक ट्रस्ट। एनबीटी जो है नेशनल बुक ट्रस्ट है, तो इन्होंने ये स्टार्ट किया अभी। हाल ही में अब्दुल लतीफ का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे, ये अब्दुल लतीफ जो है वे भारत के ही थे और ये जो है वो पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे, यानी ये फुटबॉल से संबंधित थे, यानी हाल ही में अब्दुल लतीफ का निधन हो गया तो वे किस खेल से संबंधित थे, तो फुटबॉल से, पूर्व फुटबॉलर थे। माइक्रोसॉफ्ट और किस देश के CDC ने मिलकर AI बोट कैलारा शुरू किए, तो माइक्रोसॉफ्ट और हाल ही में जो अमेरिका की CDC है इन्होंने मिलकर AI बोट कैलारा बनाने का जो है वो प्रस्ताव रखा है, वो भी कोविड-19 के लिए। हाल ही में मिसिंग इन एक्शन प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक, यानी ये बुक है, इस बुक का नाम क्या है, मिसिंग इन एक्शन प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक, तो ये किसके द्वारा लिखित है, तो ये जो बुक है ये लिखी गई है चंद्रसुता डोगरा के द्वारा। हाल ही में देशों की आर्थिक प्रतिक्रियाओं पर निगरानी रखने के लिए पॉलिसी ट्रैकर किसने लॉन्च किया, यानी देशों की जो कोविड-19 के चलते आर्थिक प्रतिक्रियाएं हैं उन पर निगरानी रखेगा आप, तो वो कौन सा संस्था है जिसने पॉलिसी ट्रैकर लॉन्च कर दिया निगरानी करने के लिए, तो वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाल ही में MSME के लिए अतिरिक्त धन सुविधा की घोषणा किस बैंक ने की है, यानी MSME है उसके लिए अतिरिक्त धन सुविधा की घोषणा कर दी है, तो ये कौन सा बैंक है, तो ये बैंक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने ये घोषणा कर दी है कि 100 करोड़ की सीमा तक 10% एक्स्ट्रा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसमें से जो कुछ क्वेश्चन अलग से है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो निर्मला सीतारमण जी ने 1.7 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था उसके अंदर क्या कुछ इन्होंने दिया था, तो उस पर अपने एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि इस योजना को क्या नाम दिया जाएगा, जो ये 1.7 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं ये किस योजना के तहत दिए जाएंगे, तो उस योजना का नाम होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये रुपए दिए जाएंगे। इसके अंदर आगे जो वर्कर्स है जो इसमें काम कर रहे हैं, जैसे चाहे वो कोई भी चिकित्सक हो, पैरामेडिकल हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, उन सभी को 50 लाख रुपये का बीमा जो है अगले 3 महीने के अंदर, अगले 3 महीने के समय तक उनको 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा जो भी इनसे संबंधित है। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी मजदूरी मनरेगा के अंदर जितने भी आते हैं उनकी जो सैलरी है वो 182 से बढ़ा के 202 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, तो बहुत सारे लोगों को इससे भी फायदा होगा।
और प्रधानमंत्री किसान योजना की 2,000 रुपये की किस्त थी वो अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगी। और जितने भी गरीब लोग हैं 80 करोड़ लोगों को लिए 3 महीने तक 5 किलो अनाज के अंदर आपका गेहूं भी होगा, चावल भी होगा और 1 किलो दाल दी जाएगी उनको। इसके अलावा जो भी वरिष्ठ नागरिक है, जो भी दिव्यांगजन है, उनको जो है 1,000 रुपये 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा जो है वो किस्त दी जाएगी इनको। और जितने भी महिला जनधन खाते हैं उनके अंदर 3 महीने तक 500 रुपये हर महीने डाले जाएंगे, तो इससे भी 20 करोड़ महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा। और प्रधानमंत्री के अंडर जो महिला उज्ज्वल योजना थी, यानी महिला उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर बांटे गए थे उनको 3 महीने तक मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। और इसके अंदर जो लाभान्वित लोगों के होंगे 8.3 करोड़ लोगों को ये लाभ मिलेगा। और दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसमें भी 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 7 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होगी। इसके अलावा सरकार ने जितने भी नियोक्ता और कर्मचारी है उनका जो ईपीएफ है वो बढ़ा के 24% कर दिया है। ये योजना किन पे लागू होगी? जिनका वेतन 15,000 रुपये से कम है या जिन कंपनियों के अंदर कर्मचारियों की संख्या 100 से कम है। तो ये दोनों शर्तें लगेगी कि जिनका वेतन 15,000 से कम है और जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 100 से कम है उसके अंदर जो ईपीएफ है वो 24% दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखने आने वाले एग्जाम का पार्ट कहीं ना कहीं जरूर बनेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम फ्रेंड के साथ।